हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, इस समय की बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है आईपीएल ऑक्शन से, जहां पर दोस्तों क्रिस लिन को खरीद लिया गया है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि क्रिस लिन को कौन सी टीम ने खरीदा है और कितने पैसों में खरीदा है। तो गाइस सारी बातें इन डिटेल करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप आईपीएल के फैन हो, आईपीएल से जुड़ी न्यूज़ देखना आपको पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो गाइस इस आईपीएल ऑक्शन में क्रिस लिन की जो बेस प्राइस थी वो 2 करोड़ थी, और उम्मीद किया जा रहा था कि क्रिस लिन को काफ़ी बड़े प्राइस मिलेंगी, क्योंकि गाइस क्रिस लिन काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं और T20 के बहुत ही स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं। लेकिन गाइस उल्टा बिल्कुल ऑक्शन में इसका उल्टा हुआ, क्योंकि जैसे ही उन पर नीलामी में बोली लगनी शुरू हुई, उनकी बेस प्राइस 2 करोड़ थी और किसी भी टीम ने उन पर बोली नहीं लगाई। इसी वजह से मुंबई इंडियंस ने उनको उनके बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये में ही खरीद लिया है। तो गाइस मुंबई इंडियंस की तरफ से क्रिस लिन IPL 2020 में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। हालांकि क्रिस लिन मुंबई इंडियंस में एक बैकअप ओपनर की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि मुंबई इंडियंस के पास ऑलरेडी क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा के रूप में एक अच्छा ओपनिंग कॉम्बिनेशन मौजूद है। तो ऐसे में हमें क्रिस लिन IPL 2020 में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो गाइस वीडियो फिलहाल इतना ही, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मुंबई इंडियंस ने यह डिसीजन सही लिया या नहीं। और क्रिकेट से जुड़ी सभी न्यूज़ सबसे पहले पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।